इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मकामी खबरों पर एक नज़र। ना सिर्फ बेलगाम शहर बल्कि पूरे मुल्क में महंगाई ने अपना तारीखी मकाम हासिल कर दिया है। गरीब को जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। किसी तरह से लॉकडाउन के बाद बाजार तो खुले हैं पर गुजारा करना गोया इसके लिए कसरत बनती जा रही है। वैक्सीनेशन पर तो हुकूमत की जानिब से जी तोड़ कोशिश की जा रही पर दो वक्त का गुजारा कैसे, इस पर हुकूमत तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा इसी सुलगते मसले को लेकर सुराज्य निर्माण आंदोलन की जानिब से सदर हिंद यानी राष्ट्रपति को बजरिए बेलगाम डीसी मुतालबा पेश करते हुए किसी तरह गरीबों की जान महंगाई से बचाने की गुजारिश की गई। सुराज निर्माण आंदोलन के जिम्मेदारान ने कई सुलगते मसाइल पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि आखिर यह कैसी महंगाई की महामारी है जिसमें किसान को एक टन गन्ना बेचने के बाद 15 किलो मीठा तेल हासिल करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर 4 लीटर दूध बेचने के बाद 1 लीटर पेट्रोल लेना पड़ रहा है। और हकीकत में देखा जाए तो स्वराज आंदोलन का यह सवाल बिल्कुल जायज है। अगर कोई दफ्तर में 100 रुपए तनख्वाह हर रोज के हासिल करता है तो पूरे दिन की कमाई महज 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में खर्च हो जाती है। क्या आखिर इसी का नाम राम राज्य है? ऐसा भी सवाल स्वराज आंदोलन की जानिब से किया गया। मरीज का इलाज इतना महंगा बन चुका है कि दवाइयां ना खरीदने की बिना पर कईयों को खुदकुशी करनी पड़ रही। नौजवान बेरोजगारी की वजह से जहनी बीमारियों में मुब्तला हो रहा है और वही इख्तदार पजीर हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से अमीरों सरमाएदारों के गोदाम भरते जा रहे। मरकजी हुकूमत धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंद कर बैठी हुई है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम इंसान को हाशिए पे ला खड़ा किया। तमाम ताजीर कारखानदार 90% से भी ज्यादा अपना रोजगार कमाई खो चुके हैं। सड़क के किनारे फ्रूट सब्जी बेचने वाले ऑटो रिक्शा मजदूर किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके। लिहाजा किसी तरह भूख से मरते हुए भारत देश को बचाने की गुहार स्वराज निर्माण आंदोलन की जानिब से लगाई गई। इस वक्त तंजीम के सदर राजन हुलबत्ते, सेक्रेटरी प्रशांत कुलकर्णी, नायब सदर दस्तगीर आगा और किशोर जैन, हेमंत लेंगड़े और मोहन परमार मौजूद थे। आमचे सगळे पदाधिकारी सगळे मिळून सन्माननीय डीसी साहेबांना महामहोदय राष्ट्रपतींना एक निवेदन द्यायचं ठरवलेलं आहे आणि ते निवेदन डीसींच्या वतीने आम्ही राष्ट्रपतींच्या पर्यंत आमचे मुख्य दोन तीनच मुद्दे आहेत। आमचा पहिला मुद्दा जो महागाईचा आहे 2016-2017 पासून नोटाबंदीपासून आज तक आहे 2021 पर्यंत अत्यंत महागाई अत्यंत विपरीत तऱ्हेला पोचलेली आहे। अनेक पक्ष आहेत, अनेक NGO संघटना आहेत, अनेक लोक व्यापारी संघटना, चेंबर ऑफ कॉमर्स सारख्या संघटना सगळेजणच आवाज उठवत आहेत की महागाई कमी करा, महागाई विपरीत झाली आहे। परंतु आम्हाला हे समजेना झालं आहे की एवढी विपरीत महागाई होऊन सुद्धा एवढ्या लोकांचे मोर्चे, एवढ्या लोकांची आंदोलनं, एवढ्या पक्षांची आंदोलनं हे सगळे होत असताना सुद्धा सरकार याच्याकडे अजिबात लक्ष देत नाही। म्हणून महामहोदय राष्ट्रपतींना आम्ही नम्र निवेदन करत आहोत की तुम्ही याच्यामध्ये लक्ष घाला आणि सरकारला कुठेतरी हलवा, सरकारला कुठेतरी हे कळवून द्या की सगळे लोक, व्यापारी, सर्वसामान्य जनता वैफल्यग्रस्त झालेली आहे, या महागाईला कंटाळलेली आहे, त्याचा संसाराचा गाडा चालवणं अत्यंत कठीण झालेला आहे, तरी सुद्धा हे सगळे लोक गप्प आहेत। म्हणून माननीय महामहोदय राष्ट्रपतींना आमचं निवेदन आहे की राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारला सूचित करावं आणि याच्यावरती एक तोडगा काढावा। आज लक्ष्मण सवदी को लेकर दो खबरें रही जिसमें वजीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सवदी ने किसी तरह बस किराए में इजाफा ना करने की बात कही। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर यह फैसला आवाम के लिए राहत भरा तो रहा पर एक और खबर ने लक्ष्मण सवदी के फर्जंद चिदानंद सवदी की अलीशान कार ने गरीब किसान को ठोकर से उड़ाया जिसमें इस किसान की मौत हो गई। मैं इस शख्स का नाम कोडलप्पा बोली है जिसकी उम्र 58 है, कोडलप्पा बागलकोट तालुका चिकहंगल गांव का है। हादसा बागलकोट जिला कुडल संगम क्रॉस पर हुआ। चिदानंद सवदी अपने दोस्तों के साथ बीजापुर की तरफ जा रहा था, तब खेत से किसान कोडलप्पा घर की तरफ लौट रहा था, तब तेज रफ्तार एमजी ग्लॉस्टर कार से किसान को ठोकर मारी जिससे कोडलप्पा शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल जाने तक इसकी मौत हो गई। अपनी सफाई में आज सफाइयों से मुखातिब होकर चिदानंद सवदी ने कहा कि उस गाड़ी में वो मौजूद ही नहीं था। जो भी हो पर अवाम में यह बहस जारी है कि अक्सर अमीर की गाड़ियों से गरीबों की मौत हो जाती है और कार्रवाई से बच जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई कार्रवाई होती है या सियासी रसूख के जरिए एक और किस्सा यूं ही दब जाता है।
ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಜ್ಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅತ್ತನಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡಲು ಸಂಗಮದ ಬಳಿ ನನ್ನ ಕಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲಕನ ಅಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ 108 ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ DYSP ಅವರು ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ವೈಕಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂಥ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. आज ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की जानिब से डिस बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि जो कोविड राहत पैकेज गरीब मजदूर किसान को दिया जा रहा है दरअसल जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं रहा और वैसे भी महीनों तक घरों में लॉकडाउन के जरिए बिठाकर महज 3,000 रुपए में अपनी जरूरतों को पूरा करना नामुमकिन ही है, लिहाजा 10,000 से भी ज्यादा रकम बतौर इमदाद गरीब किसान मजदूर को अता करे ऐसा कहा गया. हुकूमत क्या 3,000 रुपए भीख के तौर पर देकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, ऐसा भी इनका कहना था. इस वक्त AIUTUC के कारकुनान जिसमें खासकर खवातीन कसीर तादाद में मौजूद रही. इंदु कर्नाटक राज्य संयुक्त कट्टड कार्मिक संघ जो AIUTUC के जो केंद्रीय कार्मिक संघटने संयोजन कार्मिक संघ मंड्य जिलाधिकारी कार्मिक भवन प्रादेशिक कार्मिक आयुक्त मनवियन सल्ताी इवते सरकार इवत कार्मिक संघटने आग्रह मेरे होराटद मेरे कनिष्ठ 3,000 रुपायन परहार धन को अवेलू कूड़ा कार्मिकरी समर्पवा इला ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಭಿಕ್ಷೆ ಥರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಬೇಕು. कहते हैं प्यार किसी मजहब धर्म भाषा मुल्क की सरहदों को नहीं मानता, लिहाजा इसी तरह लव मैरिज करने वाले को जान से मारने की धमकी भाजपा लीडर के खानदान वालों ने देने की फरियाद दोनों मियां बीवी ने कमिश्नर धारवाड़ हुबली से की है. हासिल इतला के मुताबिक भाजपा में अपना रसूख रखने वाले कैद की बेटी मुनल कोरवी ने राहुल नामी शख्स से शादी की जिसका भाजपा लीडर के घर वालों को विरोध था, लिहाजा इन्होंने रजिस्टर शादी की. इसके बावजूद भी अपने सियासी रसूख के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लिहाजा हमें तहफ्फुज़ फरमा दिया जाए, ऐसा दोनों लड़का लड़की की जानिब से अर्जी दाखिल की गई. अब देखना यह है कि क्या वाकई पुलिस इन्हें तहफ्फुज़ अता करती है या सियासी रसूख के चलते इन्हें हिरासत करने का काम आगे भी जारी रहता है. अक्सर यह देखा जाता है कि कई मोहब्बत करने वालों को कहीं भी सहारा नहीं मिलता तो आखिर मायूसी इन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है. उम्मीद करते हैं कि जो भाजपा कायद धमकी दे रहा है इन पर पुलिस जल्द कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार करेगी, ऐसा आवाम में भरोसा जताया जा रहा है. आज का दिवस बेलगाम के स्टार क्लासेस की जानिब से नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में नुमाया नंबरात हासिल करने वाली तकरीबन 12 टीचरों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया. इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी अल अमीन की साबिक मीर मौलिम मोहतरमा रुखसाना नागरगट्टी रही. दिगर मेहमानों में सना नाज मकानदार स्टार क्लासेस के चेयरमैन मुनीर माडीवाले ने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए गुलपोशी अता फरमाई. निजामत के फराइज हसन मुल्ला ने अंजाम दिए. कुरान करीम की तिलावत राहिला मुजावर ने की. तमाम मेहमानान ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए स्टार क्लासेस की तरक्की के लिए दुआएं फरमाई और असातिजाओं का माशरे में किरदार पर रोशनी डालने की कोशिश फरमाई. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. अच्छा, मैं और सर भी उन
बच्चों को पढ़ने का पढ़ाने का मौका मिला एज ए लेक्चरर के तरह, तो उनको अच्छी तरह हमारा जो तजुर्बा है उन बच्चों को शेयर किए हम लोग। और इसके बाद उनकी एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स कराड़ यूनिवर्सिटी वहाँ से क्वेश्चन पेपर आए थे, तो उनकी एग्ज़ाम भी 2 दिन में एग्ज़ाम भी मुकम्मल हुई। तो उसमें 11 तुलबा में 6 जो तुलबा हैं जो ट्रेनीज़ हैं उनका डिस्टिंक्शन रिजल्ट हुआ, और बाकी के 5 जो है उनका फर्स्ट क्लास रिजल्ट हुआ। तो टीचर्स का यही है कि टीचर्स जो है आगे चलकर इस माशरा या मुल्क का मुस्तकबिल बनाते हैं, उन्हीं के हाथ में जो है पूरे माशरे का समाज का जो है मुस्तकबिल उन्हीं के हाथ में रहता है। जब ये सर्टिफिकेट्स कराची यूनिवर्सिटी से आपने जुटवाया तो इसके बाद इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और माशरे के अंदर किस तरह से, क्योंकि क्या है फिलहाल तो वैसे तो कोरोना के दौर में ये डिजिटल का दौर आया था ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह, लेकिन जो उस्ताद सामने बैठकर पढ़ाते हैं वो वाला जो है उसमें नहीं आता। Very important, and she plays a very important role in life. So there are a lot of things when you are teaching for a nursery and pre-nursery. So it is a foundation. It's a base for the kids when you teach. So you need to have a lot of patience on teaching kids. So there are three things. There are three things which are called as ABC, not the ABC alphabet, but NCT resident. And the consequence behavior. Like ABC is like incident, behavior and consequences. So all three plays a very important role. So first of all, I would like to congratulate Madhubali sir. तो मैं शुरुआत से उनको जानती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तब he was very active. The way he would enter, the personality, body language बताता है कि वो इंसान क्या है. तो सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन आजकल के दौर में बहुत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स आए गए, बट क्या देते हैं आजकल वो कम्युनिकेशन. हालांकि डिग्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑलवेज डिस्टिंक्शन एंड प्लस पॉइंट्स विल बी देयर, बट हिज कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दीज क्वालिटीज आर सीन इन. Now, I want to tell a few words in front of you. Whatever we have given the training to you, Iqbal sir told that the behavior of a child, focus on that only. Okay. The education is now, it is online, people know about the syllabus. But the behavior, it is given by a good teacher only.